हाय गाइस, वेलकम टू एनसीमैन। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपने एडिट टेक्स्ट या फिर अपने बटन में ऐसे राउंडेड कॉर्नर्स कैसे बना सकते हैं और इस तरह से बाउंड्री कैसे बना सकते हैं। सो देखते हैं। सो इंट्रो के बाद हम आते हैं अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे, आपसे डायरेक्ट मिलते हैं। सो वेलकम गाइस, आशा है आपने इंट्रो देख लिया, उसके बाद हम आते हैं। सो मैंने अपना एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है बॉर्डर, ठीक है, और मैंने यहाँ पास एक एडिट टेक्स्ट डाल दिया है और एक बटन डाल दिया है और एडिट टेक्स्ट का नाम एंटर पासवर्ड डाल दिया और बटन का नाम साइन अप डाल दिया। अब हमें इसमें डिज़ाइन देना है, ठीक है। सो डिज़ाइन में हमें एक राउंडेड कॉर्नर बनाना है इसके चारों तरफ और इस बटन में भी वही करना है, ठीक है। तो आप कैसे करें, सो आपको जाना है यहाँ पास ड्रॉएबल में जाइए और राइट क्लिक करिए अपने कर्सर से या फिर अपने माउस और फिर टच पैड जो भी आपके पास कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पास न्यू में जाइए और न्यू में जाइए ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, यहाँ पर क्लिक करिए, एक विंडो ओपन है, यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, ठीक है। हम बॉर्डर बनाना है तो हम अपना बॉर्डर डाल देते हैं, तो बॉर्डर डाल दीजिए, ठीक है। और आप स्मॉल लेटर्स में डालिए क्योंकि कभी कभी एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब कैपिटल लेटर्स लेता नहीं है, जैसे इमेजेस भी आप अपलोड करते होंगे। सो ओके, सो ओके कर दीजिए आप, ये आ गया है। अब आपको बॉर्डर बनाना है तो आप सिलेक्टर को हटाइए और बॉर्डर मतलब एक शेप बनाना है, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए शेप। या आपको रटना तो पड़ेगा, मतलब ये रट्टा तो टाइप नहीं है, रटना नहीं है, बस आप प्रैक्टिस होगी तो बन जाएगा। अब आपके क्या करना है, अब आपको कॉर्नर बनानी है, ठीक है। तो कॉर्नर के लिए आपको होता है कॉर्नर्स, ठीक है। अब आप जैसे ही बैक मीन्स टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पास आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सो आपको रेडियस डालना है, ठीक है, अपने कॉर्नर का। तो हम क्या डालें, सो 25 डीपी, क्योंकि एडीपी बहुत छोटा होता है, 25 डीपी डालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आया है ये आपको लेफ्ट रेडियस, राइट रेडियस। सो यहाँ पास आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको मतलब अगर आपको लेफ्ट रेडियस 0 रखना है, सो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन बन जाते हैं, ठीक है। तो हम चारों तरफ इक्वल रेडियस रख रहे हैं सारी कॉर्नर का, ठीक है। सो मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब आपको दिख रहा है आपका जो इधर बॉर्डर बनता है वो यहाँ दिखा देता है, लेकिन आपको कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कलर देना होगा उस बॉर्डर को और विड्थ देनी होगी उस बॉर्डर की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिखना है स्ट्रोक। सो स्ट्रोक में जाइए और जैसे बैक प्रेस करेंगे, बैक स्पेस सॉरी टैब दबाएंगे, सो टैब जानते हैं ना, लंबी सी ये बटन होती है टच पैड के ऊपर, सो उसको दबाएंगे तो इतने सारे ऑप्शन आ गए आपके पास। सो कलर देते हैं, सो मैं कलर देता हूँ, यहाँ पास ऑप्शन आ गए हैं, सो मैं ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है, ब्लैक। और एक बार और टैब दबाएंगे तो एंड्रॉइड विड्थ आ गया, सो आप विड्थ डालिए। सो विड्थ में मैं डाल देता हूँ 5 डीबी, ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ। सो ये आपका बॉर्डर तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस बॉर्डर को अपने एडिट टेक्स्ट बटन में लेके जाना है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अब एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में जाइए, कोड में जाइए, और जैसे आपको एडिट टेक्स्ट में बॉर्डर डालना है जो हमने बनाया, सो आप डालिए, यहाँ पास लिखिए एंड्रॉइड और लिखिए आप बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड आ गया, और इक्वल टू, और यहाँ पास लिख दीजिए, सो यहाँ पास लिखिए आप ड्रॉएबल, ये देखिए एट द रेट ड्रॉएबल, हमने जो भी नाम डाला था अपने ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल का, सो यहाँ पास आ चुका है। आप जस्ट इंटर कर दीजिए, आप देखिए, ये देखिए आपका बॉर्डर आ चुका है। सो आप अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप इसे बड़ा कर लीजिए, ठीक है, ये देखिए आप आ चुका है। सो इसे अच्छा दिखाने के लिए मैं टेक्स्ट को सेंटर में डाल देता हूँ। सो उसके लिए आपको ग्रेविटी करना पड़ेगा, ग्रेविटी, सो मैं सेंटर में कर दीजिए, ठीक है, अप्लाई, ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब ऐसे ही आपको बटन में ऐसे ही कर दीजिए, आप बटन में भी वही एंड्रॉइड एंड बैकग्राउंड, ठीक है, और इक्वल टू एंड ये सेमी कॉलन एंड क्या डालिए ड्रॉएबल एट द रेट ड्रॉएबल, सो एट द रेट ड्रॉएबल, ये देखिए बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। सो ये, सो ये देखिए बॉर्डर आ चुका है आपका। सो इसे आप बड़ा कर लीजिए, अच्छा दिखिए, ये देखिए। सो ऐसे ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं, सो ऐसे ही आपको बॉर्डर लगा सकते हैं। सो आपको पहले देखिए ऐसे दिख रहा था रेक्टेंगल में, लेकिन आप, सो मैं आपको और डिज़ाइन दिखाता हूँ और कैसे बदलाव कर सकते हैं आप इसमें। सो जैसे आपने देखा था पहले कि लेफ्ट रेडियस राइट रेडियस आप चेंज कर सकते हैं, सो हम वही करके देखते हैं। सो आप डालिए एंड्रॉइड, यहाँ पास लेफ्ट रेडियस आया, ठीक है। सो लेफ्ट रेडियस मैं कर देता हूँ 20 डीपी, एंड मैं यहाँ पास क्या है बॉटम राइट रेडियस, ठीक है, सो इसमें कर देता हूँ 15 डीपी, ठीक है। सो अभी कोई चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि आपने पहले यहाँ चारों तरफ इक्वल वाला लगाया है कोड, सो आप इसे हटा दीजिए, ये देखिए आपने क्या डाला, बॉटम लेफ्ट रेडियस, सो बॉटम लेफ्ट रेडियस और बॉटम राइट रेडियस दोनों ही कर्व हो गए, लेकिन ऊपर वाले आपने क्योंकि ऊपर का नहीं डाला इसलिए ऊपर के रेक्टेंगल है। सो आप एक्टिविटी में जाएंगे, ये देखिए ये आपका एक न्यू यूआई का बॉर्डर बन चुका है। सो ये देखिए बटन भी वैसे ही हो गया। सो ऐसे आप अपने बॉर्डर्स पे चेंजेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने एडिट टेक्स्ट और बटन में बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा ये ट्यूटोरियल, सो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आगे आने वाली ऐसी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।